वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की और पहली खबर झांसी से, जहां इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी चुनाव में जनता के लोकप्रिय प्रदीप जैन जनता जनधन का आभार जताते हुए कहा कि मुझे जनता ने चुनाव लड़ाया है या जनता ही मेरी भविष्य कुंडली है। झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के नागरिक और कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बुंदेलखंड क्रांति दल सभी सहयोगी नेताओं का आभार व्यक्त किया। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं पर मैं जनता की सेवा करता रहूंगा, हर समाज का सहयोग रहा है, सेवा के लिए तैयार हूं, आप जब भी मुझे कॉल लगाएंगे मैं आपकी सेवा के लिए तैयार रहूंगा। कोई सत्ता, कोई नेता और कोई अहंकार वो जनार्दन जनता पर हावी नहीं हो सकती। जिस तरह जनता ने अपने आप को प्रदीप जैन आदित्य मान के चुनाव लड़ा वो बेमिसाल है। ऐसा उदाहरण न पहले कभी हुआ और न कभी आगे होने की संभावना है। हम पूरे लोकसभा क्षेत्र में गए, अगर कहीं बसते हैं तो भी जनता को परेशानी नहीं थी, नहीं है तो भी परेशानी नहीं थी। झांसी के बिजौली नहर के पास स्थित दरगाह हजरत कमाल शाह चिश्ती रहमतुल्ला अलहे का उर्स हर साल की तरह इस साल भी 10 जून को बड़ी अकीद और शान शौकत के साथ मनाया जाएगा। दरगाह के खादी मनीष शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल की तरह इस साल भी दरगाह हजरत कमाल शाह चिश्ती पर उर्स की तकरीब अता की जाएगी, जिसमें 9 जून को शाम 5 बजे परचम कुशाई और लंगर किया जाएगा। 10 जून को रात 9 बजे शानदार कव्वालियों का मुकाबला होगा, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल बाबू गुलाम साबरी में जवाबी कव्वाली का मुकाबला होगा। उसके बाद 11 जून को सुबह 5 बजे कुल शरीफ की रस्म अदा करने के बाद उर्स का समापन होगा। कुरान खानी मिलाद शरीफ होगी और शाम 5 बजे परचम कुशाई के बाद 10 तारीख को सुबह 8 बजे गुसल व संदल सरकार को पेश किया जाएगा। शाम 5 बजे 10 तारीख को सरकार को चादर पेश की जाएगी, जो कि बिजौली जमा मस्जिद से चादर उठेगी और दरगाह शरीफ के लिए रवानी होगी और रात्रि के 9 बजे से कव्वाली का प्रोग्राम है। कासगंज में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। सर्विलांस टीम की मदद से एसओजी और कासगंज सदर कोतवाली पुलिस ने 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में स्मैक चरस के अलावा इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 2 पैकेट पैकिंग वाली पॉलिथीन को मौके से बरामद किया है। बरामद स्मैक चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार एक आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम, वांछित अपराधी भी शामिल है। दोनों आपसी रिश्ते में मामा भांजे बताए जा रहे हैं। दोनों को संबंधित धाराओं में पाबंद कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायिक हिरासत में दोनों मामा भांजे को न्यायालय में जेल भेज दिया गया। पुलिस की जो हमारी काजगंज कोतवाली की टीम है, इसके साथ साथ जो हमारी एसओजी और सर्विलांस की टीम है, उनके द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त जिस पर पूर्व से 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, जिसका नाम नाजिम पुत्र अब्दुल सलाम मोहल्ला बड्डू नगर निवासी है और एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम अब्दुल रहमान उर्फ लारिब है, इन दोनों को पकड़ा गया है और इनके पास से लगभग 1,002 ग्राम स्मैक जो है नाजायज वो बरामद की गई है। इसके साथ साथ इनके पास से लगभग 800 ग्राम चरस भी बरामद की गई है। अगर हम इसका मार्केट वैल्यू देखेंगे तो जो स्मैक लगातार किसी न किसी विवाद में घिरे रहने वाले एम्स में एक और शर्मनाक वारदात हुई है। एम्स में कार्यरत नर्सिंग अफसर ने एक महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। सोशल मीडिया के माध्यम से डॉक्टर को आपत्तिजनक मैसेज भी सेंड किए गए। डॉक्टर ने नर्सिंग अफसर की शिकायत कोतवाली पुलिस को दी है। पुलिस ने डॉक्टर की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपनी जाँच शुरू कर दी। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक एम्स ऋषिकेश में कार्यरत एक महिला डॉक्टर ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि 19 मई की शाम को ऑपरेशन थिएटर में नर्सिंग ऑफिसर सतीश कुमार ने उनके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। विरोध करने पर भी सतीश कुमार अपनी हरकत से बाज नहीं आया। रात को उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से आपत्तिजनक मैसेज सेंड किए, जिससे वो काफी आहत हुई। मामला अन्य डॉक्टरों को पता चला तो एम्स में डॉक्टर ने हड़ताल करते हुए हंगामा किया। पीलीभीत जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के गोनिया तालाब में एक युवक की डूबकर मौत हो गई। युवक को डूबता हुआ एक शख्स ने देखा और डूबते हुए युवक को बचाने की कोशिश की, लेकिन बचाने में असफल रहा, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची गोताखोरों की मदद से मृतक के शव को बाहर निकाला गया। वहीं मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे और वहां पर मौजूदा चप्पल को देखकर युवक की पहचान की। युवक की पहचान रिजवान पुत्र ननिलाल निवासी चिड़ियादाह गांव पीलीभीत के रूप में हुई है। मृतक अपने पीछे पत्नी और 1.5 साल का बच्चा छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गया। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक कैंसर जैसी भयावह बीमारी से पीड़ित था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान था। इसी के चलते उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
कानपुर के थाना रेल बाजार क्षेत्र में रेलवे पटरी के किनारे युवक का सर मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं आनंद फानंद में राहगीरों ने क्षेत्रीय पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सिर को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक ADCP लखन यादव ने बताया कि थाना रेल बाजार इलाके में रेलवे पटरियों के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का सर मिला है जिसका धड़ नहीं है। वहीं FSL टीम द्वारा साक्ष्य आंकलन किए जा रहे हैं। बरामद हुए सिर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। डॉक्टर से पहचान कराई जा रही है। साथ ही धड़ की खोजबीन शुरू कर दी गई है। अज्ञात व्यक्ति का सर मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अलग अलग सड़क हादसे में 5 लोग घायल। घायलों को एम्बुलेंस से लाया गया जिला चिकित्सालय है, जहां से 3 की हालत नाजुक देखते हुए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बता दें कि 3 लोग ग्राम ककरुआ में मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर से घायल हुए। एक मोटरसाइकिल सवार गल्ला मंडी के पास लोडिंग टैक्सी से टकराते हुए घायल हुआ, तो वही व्यक्ति को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। कासगंज में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां बंबा में नहाते वक्त एक युवती सहित 5 लोग डूब गए, जिसमें से एक युवती और 2 किशोरियों की दर्दनाक मौत हो गई। वही तीनों के शवों को गोताखोरों ने बाहर निकाला। शव मिलने के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। पूरी घटना कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के रेखपुर गांव की है। कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव रेखपुर में रामायण कथा शुभारंभ के बाद यह दुखद घटना घटित हुई। गोरा नहर में कलश विसर्जन के बाद बंबा में नहाते वक्त 5 लोग डूबे थे। ठीक है, थाना आकाशगंज कोतवाली के अंदर गांव में रेखपुर, वहाँ पे नहर का सिंचाई की नहर है, छोटी नहर है, जबकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं है। और वहाँ पे गांव में ये 4-5 बच्चे और एक मैरिड महिला, ये लोग उसमें स्नान कर रहे थे। स्नान करते अचानक आगे चले गए, यहाँ पे पानी गहरा था और उसमें 3 लोग डूब गए, जिसमें छोटे छोटे छोटी हुई, उसमें एक 22 वर्षीय महिला और 2 13 और 14 साल के 2 बच्चे आए। उनका शव जिला अस्पताल गया हुआ, परिजन अभी देखते हैं। आगरा में 3 जूता इकाइयों पर छापेमारी कार्रवाई लगातार जारी। आयकर विभाग ने शनिवार को अपने गुप्त सूत्रों की सूचना के आधार पर छापे मारा था। 80 घंटे चली जूता कारोबारी के यहाँ रेड में आयकर विभाग ने करोड़ रुपए बरामद किए, जिसमें सबसे ज्यादा रुपए रामनाथ डंकी हरमिलाप शूज कंपनी के यहाँ से मिला है। पुलिस ने हरमिलाप डंकी यहाँ से 53 करोड़ कैश बरामद किया है। तो वहीं BK शूज कंपनी और मंशु फुटवेयर के यहाँ से 4 करोड़ रुपए की बरामदी हुई। आयकर विभाग की छापेमारी के कारण कुल 57 करोड़ कैश की बरामदगी हुई है। आयकर विभाग की कई टीमों ने मिलकर 3-3 जूता कारोबारियों के 14 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जानकारी के मुताबिक 3 जूता कारोबारी के यहां से टीम ने करोड़ रुपए की ज्वेलरी भी बरामद की है। कानपुर के महराजपुर थाना क्षेत्र में हाथीपुर हाईवे और फ्लाईओवर पर हफ्तेपुर की तरफ से कानपुर आ रही तेज रफ्तार डग्गामार इको वैन की टक्कर से 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई और 1 महिला और 1 बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। टक्कर लगती तेज रफ्तार इको वैन पलट गई, जिससे रफ्तार की वजह से सवारियां भी चोटिल हो गई। मौके पर देखकर वैन का ड्राइवर जो है वो सवारियां वहां से फरार हो गई। सूचना के सूत्रों की माने तो सभी महिलाएं हाथीपुर गांव की निवासी बताई जा रही है, जो किसी फैक्ट्री से काम पर से लौटकर अपने घर वापस जा रही थी। महिलाएं जहां फ्लाईओवर को पैदल ही पार कर रही थी, उसी समय तेज रफ्तार वैन ने जोरदार टक्कर मार दी। एक सूचना मिली है और थाना महाराजपुर में एक्सीडेंट की, थाना प्रभारी मौके पे गए, हम लोग तत्काल जैसे सूचना मिली मौके पे रवाना हुए। सूचना ये थी कि लेडीज जो सड़क क्रॉस कर रही थी, रोड एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ये गाड़ी है मारुति की इको, उसने टक्कर मारी और लेडीज को काफ़ी सीरियस इंजरी आई है, जो तत्काल हॉस्पिटल आया गया, लेकिन उनकी डेथ हुई है। 2 एक बच्ची है, एक और लेडीज है जिसको चोट आई है, उनको उन्होंने यहाँ से एडमिट भेजा है, रिफर किया है। डॉक्टर से बात वाराणसी के केंद्रीय कारागार में गायत्री परिवार के दानोपुर के ट्रस्टी गंगाधर उपाध्याय ने पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ज्ञानवर्धक पुस्तकालय की स्थापना की। इस दौरान वरिष्ठ जेल अधीक्षक रामकृष्ण मिश्रा, जेलर आर के मिश्रा, जेल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अभिषेक सिंह, गायत्री परिवार के जिला समन्वयक पंडित गंगाधर उपाध्याय, जिला सह समन्वयक घनश्याम राम, शक्तिपीठ के सक्रिय कार्यकर्ता अवधेश सिंह, तमाम लोग मौजूद नजर आए। आगरा फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस प्रत्याशी और जय भिड़े देर रात जय नितेश गए थे बिजली चेकिंग करने। स्थानीय लोगों ने रामनाथ सिकरवार को दी सूचना। जय और रामनाथ सिकरवार के बीच फोन पर बहस हुई। रामनाथ सिकरवार ने जय से कहा कि आप रात को लोगों के घरों में घुसे। जय ने कहा कि आप मेरे यहां से 1 करोड़ रुपए ले गए। रामनाथ सिकरवार स्थानीय लोगों ने के साथ धरने पर बैठे। 7 साल से एक ही जगह जमे होने का जय पर लगाया आरोप। खेरागढ़ के गाँव नगला उदैया का पूरा मामला। बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर नितेश रात में चेकिंग के नाम पर घर में घुसे, महिलाओं के साथ में अभद्रता की और बिजली चेकिंग के नाम में घरों में घुस रहे, ऐसा यहाँ के लोगों को कहना। मोहल्ले के सब लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझको अभी रात में फोन किया, अभी जस्ट में आया हूँ, अभी लगभग 11 बजने वाले हैं।
इससे थोड़े समय पहले वो आए चेकिंग के नाक में घर में घुसे। इस घर में घुसे बोलो घुसे माता मैंने बोल रही थी वहां भी हमको धमकी दी और मैंने जी को फोन किया कि आप रात में 9-10 बजे घरों में घुस रहे हैं बिजली चेकिंग के नाम पर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला मुझसे बोला आप धीरे बोलिए और मुझसे ये भी कहा उसने कि मेरे ये लोग कह रहे हैं घर में घुसे। बोला मैं तो आपको आरोप लगा रही हूँ मेरे घर से 1 करोड़ रुपए लेके गए। एक जेई के पास 1 करोड़ रुपए आए कहाँ से? 1 करोड़ के मुंह में आया कहाँ से? जल जीवन मिशन के तहत बनी टंकी में 1 दर्जन के करीब बंदर मिले मृत अवस्था में। भीषण गर्मी में पानी की तलाश में भटक रहे 10 बंदरों को निर्माणाधीन ओवरहैंड टैंक में गिरकर मर गए। सूचना पर पहुंची प्रधान ने जल विभाग ठेकेदार चौकीदार पर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्राम प्रधान ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर बंदरों के पोस्टमार्टम करने की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बदायूं के फैजगंज बेटा थाना क्षेत्र के परमानंदपुर गांव का ही पूरा मामला। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के पौश इलाके में एक मकान में देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। आग लगने से पौश में रखा सारा सामान बाइक साइकिल सोफा जलकर राख हो गया। चीख पुकार सुनकर आए आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, परिजनों को सुरक्षित बाहर निकाला है। जानकारी के मुताबिक सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के नंदनपुरा नारायण गार्डन के सामने स्थित कृष्णा एनक्लेव में रहने वाली शांति देवी सक्सेना बीती रात परिजनों के साथ नीचे वाले कमरे में सो रही थी। ऊपर वाले कमरे में उनका बेटा आशीष सो रहा था। देर रात आग के लपटे और धुएं से सांस लेने में दिक्कत होने पर सभी की नींद खुल गई। गनीमत रही कि चीख पुकार तो मचे लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है, हालांकि लाखों का नुकसान जरूर बताया जा रहा है। निर्माणाधीन सरकारी स्कूल में लटका मिला युवक का शव। मृतक युवक कस्बा उस्तैद के वार्ड नंबर 1 का अजय चंद शाक्य के रूप में पहचान हुई है। शव लगभग 4 दिन पहले का लटका हुआ प्रतीत हो रहा है। मृतक के परिजनों का कहना है कि 5 दिन पहले माँ बाप से नाराज होकर घर से निकला था, बाहर काम पर जाने की बात कह रहा था। परिजन का कहना है कि मृतक युवक अक्सर शराब पीता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजन से पूछताछ की है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। शिमला जी जो है यहाँ पर एक सब लटका हुआ है कुंडे से, क्या मामला है? ये घर से सर नाराजगी में आया, काम की कह के आया है। ये हमारा सगा भाई है, अजय चंद नाम है। ये हमें जानकारी ऐसे हम काम करते थे रोड किनारे से, तो वहाँ पर मतलब व्यक्ति गए तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर कोई लटका हुआ है तो जाके देखो, तो हमने फिर हम आए ऐसे मुझे पहले मिला। झांसी में अवैध खनन की सूचना पर पत्रकार साथी पहुंचे बालू घाट संचालक और उसके गुर्गो द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्रता मारपीट की गई, जिसमें एक पत्रकार साथी के हाथ में 3 फ्रैक्चर आए हैं। दो पत्रकार साथी बहुत बुरी तरह से चोटिल हुए हैं। बालू घाट संचालक को एक क्षेत्रीय सत्ताधारी नेता का संरक्षण मिला हुआ है, जिससे बालूघाट संचालक और उसके गुर्गों की दबंगई पूरे क्षेत्र में चल रही है, जिसका ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन पुरजोर विरोध करेगी और क्षेत्रीय सत्ताधारी राजनीतिक व्यक्ति को बेनकाब करने का काम करेंगे। राजेंद्र बुंदेला, राष्ट्रीय सहारा पत्रकार, तहसील संवाददाता गरोठा। हमको ढेरा घाट के लोगों ने सूचना दी कि अवैध खनन चल रहा है और लिफ्टर द्वारा बालू उठा रहे हैं, तो हम एवं हमारे 2 साथी साथ में हम लोग कवरेज करने ढेरा घाट पर जा रहे थे, तो टोकर के पास कुछ दबंग लोग नरेंद्र राजपूत एवं उनके अन्य साथियों ने हमें रोक के धारदार हथियार से मारा है और जान से मारने की धमकी दे रहे थे और हमारे साथ हमको मार के तीनों लोगों को स्कॉर्पियो गाड़ी में डेरा घाट पे फोन आया, पता लगा कि कोई लिफ्टर चला रहा था, जो लड़का वो कूद गया है, तो उसकी सूचना मिलते ही हम 3 पत्रकार वहाँ गए कवरेज करने के लिए, जहाँ पर गाड़ी रोक के हम लोगों के साथ मारपीट की गई। इसके बाद अगवा करके हम लोगों को ले गए। 2 लोग हमारे साथी वहाँ से भाग मेरे सफल रहे, हम लोग को लेके और बोले जान से मार देंगे। छांसी कोतवाली थाना क्षेत्र के इतवारीगंज में देर रात सब्जी व्यापारी पर आधा दर्जन लोगों ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल व्यापारी ने फायरिंग करने का भी आरोप लगाया। घटना की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र में इतवारीगंज में रहने वाली सब्जी व्यापारी पंपे राइन मंगलवार की देर रात अपने घर पर मौजूद था। उसने आरोप लगाया कि आधा दर्जन लोग हाथों में कट्टा लाठी डंडा लेकर गाली गलौज करते हुए फायरिंग करते हुए नजर आए। उसका आरोप है कि हमलावरों ने उस पर हमला
हमला कर दिया। बीच बचाव करने आया उसकी पत्नी पर भी हमला बोला। इस मारपीट की घटना में पप्पे रायन को गंभीर चोटें आई हैं। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। हमलावर मौके से भाग निकले। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। ये लोग अचानक से आए और गेट नीचे के बड़बड़ाने लगे, तो अम्मी ने की पता नहीं कौन है, अम्मी खोल के आए तो अम्मी को धक्का दे के ये लोग ऊपर चढ़ने लगे। TTI और उसके साथ और भी उसके साथ थे, उसके साथ दो लोग थे और तो अम्मी उनसे पहले ऊपर जल्दी दौड़ लगा के चढ़ी। जल्दी से हम लोगों ने गेट लगा लिए, ये वाले ऊपर से कुंडी, यहाँ से कुंडी लगाई तो वो लोग सब लोग वहाँ से धक्का दे रहे थे। हम लोग तीनों लोग गेट पकड़े थे, हम पापा अम्मी तीनों लोग गेट पकड़े थे, तो ये लोग यहाँ से पिस्तौल चला रहे थे, ऐसे गेट करके यहाँ से चला रहे थे। फिर कैसे करके इन लोगों ने खोल लिया गेट और आगे पापा जी हाथापाई करने लगे, कांच तोड़ दिया। चुनावी रंजिश में टेरोली के खिलावरी गांव में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में दो महिलाएं समेत 12 लोग घायल हुए हैं, उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलने पर CO अजय क्षेत्रीय को अगुवाई में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में दर्ज की। खिलवारी गांव निवासी चत्रपाल दांगी भाजपा समर्थक है, जबकि गांव के ही रूप सिंह कांग्रेस समर्थक है। विपक्ष पार्टी फर्जी वोटिंग करवा रही थी, क्योंकि प्रधानपति दिलीप सिंह यादव है, तो हम लोगों ने शिकायत की। शिकायत में फर्जी वोट पाए गए, रजिस्टर अधिकारी लोग मेंटेन कर रहे थे। पीटा सिंह अधिकारियों ने मिलकर साठगांठ की, क्योंकि वो प्रधान ने रात के उनको पाया। आपके साथ किया क्या है? हमारे साथ सुबह हमारी मारपीट कर दी, बोले आज से बता देंगे कि BJP का कोई एजेंट नहीं मरेगा ग्राम खिल्लाबादी में। मारपीट किसने की? मारपीट दिलीप यादव, भूपेंद्र यादव, रूप सिंह यादव आदि बहुत से लोग थे। कितने लोगों के साथ मारपीट हुई? 6 लोगों के साथ मारपीट की। तो उसके विरोध में जब शिकायत भी DM से लिखित की, SDM को लिखित शिकायत दी, सबको शिकायत दी, उसके विरोध करना इन कार्यकर्ताओं को बड़ा महंगा पड़ गया। इंडिया गठबंधन के जो कुंडों ने आज सुबह इनके घर पे जाके कुल्हाड़ी लाठी डंडों से इनके साथ मारपीट की और जो है सिर फाड़ दिया। कई लोगों के हाथ भी टूटे हैं, कई जगह फ्रैक्चर हैं और ये लगातार हार से हताश होकर इंडिया गठबंधन के लोग लगातार कार्यकर्ताओं को टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं और ये मारपीट इतनी दुखद घटना ये की है। महिलाओं के साथ में ही मारपीट इन लोगों ने की, बड़ी निंदनीय घटना है और ये कहीं ना कहीं गाजियाबाद विजयनगर के अंबेडकर नगर की गली नंबर 3 में एक युवक की हत्या हुई। मकान मालिक के कहे अनुसार हत्या का शक उसी के रूम पार्टनर पर किया जा रहा है। दोपहर के समय दोनों में कहासुनी। मृतक का नाम शुभम है और उसके रूम पार्टनर का नाम प्रेम है। मकान मालिक मनीष ने बताया कि शाम के समय इनके छोटे भाई जब किराएदार शुभम के कमरे पर पहुंचे तो बाहर से ताला लगा था। खिड़की पर देखने पर पता चला कि शुभम के अंदर शव पड़ा हुआ है। मौके पर DCP नगर कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। 8 बजे पता चला जब क्या नाम है छोटे वाले ने फोन पे करे थे तो पैसे, तो वो लिखूंग पैसे लेने गया था अपना, तो पैसे लेने गया था तो वहाँ फोन खा नहीं रहे थे, तो गेट जब देखा जंगले में थे तो वो लेटा हुआ था और गेट का ताला भी लगा हुआ था। जब गेट का ताला खोला सबके सामने तो वो मरा हुआ। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।